guys, hi, namaste, welcome back to my channel Super Look Style, and today I'm going to create a very simple look with a blue smoky eye tutorial, and it will be very simple. जिनको नहीं आता है, जो बिगनर्स है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. दिस इज़ अ गुड मेकअप फॉर बिगनर्स एंड स्पेशली फॉर समर्स, क्योंकि समर्स में हमारा जो मेकअप होता है वो बहुत ही ज़्यादा पसीने, अगर हम तुरंत बाहर निकलते हैं तो तुरंत से पसीने पसीने हो गए, हमारा सारा मेकअप बाहर आ. मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि आप किस तरह से मेकअप करें कि आपके जो मेकअप्स हैं वो समर्स में बाहर ना आए. और टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं लूँगी गुड वाइब्स का कोकोनट फेस ब्राइटनिंग क्रीम. ये बहुत ही अच्छा है, आपके चेहरे को मॉइस्चराइज कर देता है. कुछ इस तरह के क्रीमी टेक्सचर में होता है, आप देख सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फॉर द समर्स एज वेल. अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डोंट वरी. एंड यू कैन सी माई फेस इज़ नाउ, मेरे जो पोर्स हैं वो थोड़े बहुत मिनिमाइज हो चुके हैं और फेस थोड़ा सा ब्राइट लुक देने लगा है. जैसे कि मैंने बताया था कि ये कोकोनट ब्राइटनिंग क्रीम है. तो अब मैं लूँगी स्विस ब्यूटी की तरफ से बीबी फाउंडेशन. ये आप देख सकते हो, इसे मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बेसिकली आपको समर्स में मैं रिकमेंड करूंगी, डोंट गो फॉर हैवी फाउंडेशंस, जस्ट टेक अ टाइनी बीबी क्रीम. अगर आपके चेहरे पे ब्लेमिशेस भी होते हैं या बहुत ही ज़्यादा जिनकी स्किन अच्छी नहीं है, ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये उनके ब्लेमिशेस को भी हाइड कर देगा. आपके जो स्किन टोन होंगे, अनइवन टोन होंगे, ये उसको भी हाइड कर देगा. तो डोंट गो फॉर कंसीलर, इसमें कंसीलर भी मिक्स्ड है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है, ट्रस्ट मी गाइस. तो गर्मियों के टाइम पे मैं नहीं बोलूँगी, नहीं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप कोई भी फाउंडेशन, फिर ऊपर से कंसीलर, मॉइस्चराइज़र, इतना सारा हैवी हैवी सा प्रोडक्ट लगा के आप नहीं जाइए, क्योंकि आपको खुद को भी बहुत ही ज़्यादा हैवी हैवी सा फील होगा. और अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपके काम में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि यू विल फील वेरी हैवी ड्यू टू द मेकअप. सो आप देख सकते हैं मेरा जो स्किन है, वैसे तो मेरे स्किन पे कोई पिंपल्स वगैरह नहीं है, पर जिनके पिंपल्स हैं ये उसको भी बहुत हद तक मिनिमाइज कर देता है. और इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये आपको सन टैनिंग से भी बहुत ही अच्छे तरीके से बचाता है. ये जो मेरा है, इस पे ये तो नहीं लिखा है कि ये सन टैनिंग से बचाता है, बट ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हाँ, ये टैनिंग से भी मेरे को बचाता है. तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस बीबी क्रीम को ज़रूर परचेस करें. ये बहुत ही ज़्यादा आई मेकअप की तरफ, क्योंकि आज का बेसिकली टॉपिक यही है, आई मेकअप इन द समर एंड बहुत ही लाइट सा मेकअप. सो गाइस, सबसे पहले मैं लूँगी ब्यूटी ग्लेज की तरफ से, ये है कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट. इसमें हर तरह के कलर्स आपको मिलेंगे और बहुत ही अफोर्डेबल है. मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, आप देख लेना. मिलते हैं, बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ, और ये सफिशिएंट है बहुत ही ज़्यादा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पैलेट. तो सबसे पहले मैं लूँगी बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्लू कलर का ट्रांजिशन शेड, और इससे मैं करूँगी अपने जो ऊपर आई एरिया है इसको हल्का हल्का सा ब्लेंड. तो गाइस, ब्लेंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आप जितने अच्छे तरीके से ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा आपका शेड होगा. उसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा डार्क ब्लू. मैंने कोई भी क्या बोलते हैं, कंसीलर नहीं लगाया है, कोई पाउडर नहीं लगाया, बिकॉज गर्मियों का मौसम है. मैं नहीं चाहती आपकी आईज़ बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको दिखाया है. तो ये जो मेरा थोड़ा डार्क ब्लू कलर है, जो मेरे टी शर्ट से मैच करता हुआ है, इसे मैं अपने आईज़ के मिडिल में लगाऊंगी, जहाँ मैंने स्पेस छोड़ा है ना. जिनको लगता है कि हाँ, मेरा यहाँ लग जाएगा, वहाँ लग जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ आप सेलो टेप या कॉर्नर्स पर यूज़ करें, उसके बाद ब्लेंड करें तो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा. पैलेट में बहुत ही ज़्यादा शिमरी सा शेड मिलता है, ये
ये थोड़ा सा शिमर है, सेम इसी कलर का है बट ये शिमर। इस पैलेट से और अपने सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे अप्लाई किया है शेड को। इससे क्या होता है कि आपका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगने लगता है। टू शिमरी कलर जो कि इसी पैलेट, इसको मैं लगाऊंगी अपने आईज़ पे, आई ग्लेज। माई आई लुक इज़ कम्प्लीट। को यहाँ हाइड कर दिया है। नीचे मैंने स्मज किया हुआ है। लाइनर फ्रॉम स्विस ब्यूटी, स्विस ब्यूटी की तरफ से है ये। आप इसे एज अ लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं, एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स। मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं क्योंकि मैं बंद फैन में शूट कर रही हूँ, ताकि ये दिखाने के लिए कि आप देख सको कि कैसा है वाकई में। मम्मी के बावजूद भी मेरा मेकअप नहीं हिल रहा है, नहीं गिर रहा है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसा मेकअप करो, और गर्मी कितनी भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका मेकअप वैसा का वैसा ही रहेगा। स्टिक से लिप को लाइन करते हो ना, तो क्या होता है कि ये बिल्कुल ही चिपका हुआ होता है, ये जेल फॉर्म में तो होता नहीं है। तो आप कितना भी मान लीजिए पार्टी में भी जाओगे और कितना भी खाओगे कुछ भी करोगे, तो आपकी लिपस्टिक आपकी ओट से हटेगी नहीं। तो या दिस इज सो नाउ पाउडर, सो आई एम यूजिंग लैक्मे फेस पाउडर। सो ये आपके जो मॉइस्चर हैं वो नहीं आने देंगे और आपके फेस को भी ब्राइट रखेंगे और गर्मी भी नहीं होगा। सो नाउ इट्स परफेक्ट। ज़्यादा आपकी गर्मी यहाँ होती है, तो आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर का यूज़ कर लें, ताकि और यहाँ सो दिस वॉज ऑल अबाउट गाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगे तो थम्स अप, बुरी लगे तो आप मुझे कमेंट करें कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली आई एम नॉट परफेक्ट, एवरी वन इज़ नॉट परफेक्ट, आई मीन नो बडी इज़ परफेक्ट। सो डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, क्या बुरा लगा इस वीडियो में, और अगला वीडियो मेरा कैसा होना चाहिए। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।